viewers, assalamu alaikum, welcome to my channel Rizwan Foundation. उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खुश पाश खैरियत से होंगे। तो अभी ना आज की वीडियो में हम ना आपको कुछ स्पेशल दिखाएंगे। स्पेशल इसलिए कि मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया है कि स्विट्जरलैंड में काफ़ी बहुत ज़्यादा सर्दी शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा तूफान था। तो जब सर्दियाँ होती ना इधर, तो ना कुछ एक दो स्पेशल डिशेज हैं इधर की स्विट्जरलैंड की काफ़ी फेमस। तो आज ना मैं आपको ना एक डिश दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं, उसके बाद ना हम ना चेक भी करेंगे, टेस्ट भी करेंगे आपके साथ। वो जो डिश है उसका नाम है फोंड्यू, चीज़ फोंड्यू। फोंड्यू उसका नाम है और चीज़ इसलिए क्योंकि वो पनीर की है, चीज़ की, ठीक है ना, चीज़ फोंड्यू। तो वो काफ़ी फेमस है, उसको ना डब्रोड के साथ, इसका मतलब ब्रेड के साथ ना लेते हैं, डबोते हैं और गर्मा गर्म खाते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ख़ास तौर पे जब आज की तरह बहुत सर्दी है। तो चलें अब मैं किचन की तरफ लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये कि ब्रेड को कैसे काटना है, उसके बाद ये फोंड्यू कैसे बनानी है। लेट्स गो। ये रहा हमारा चीज़, ये देख रहे हैं कि ना ये 400 ग्राम है और ये तकरीबन ना दो लोगों के लिए ना ये बनाए। दो किस्म के चीज़ हैं, एक है ग्रुयेर स्विट्जरलैंड और दूसरा वाश्रेन फ्रीबोर्जवा। ये दोनों ना स्विट्जरलैंड के ना स्पेशल चीज़ हैं। तो अभी एक और ख़ास बात आपको बताता हूँ, आपने ये भी देखना होता है जो लोग भाई बहन जो भी होते हैं ना यूरोप में, अगर वो ना ये लेते हैं ना चीज़, तो उन्होंने इसका ख्याल रखना है कि ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ना जो आपने ना इंग्रेडिएंट्स ना हमेशा चेक करने हैं, क्योंकि अक्सर बहुत ज़्यादा इसमें ना अल्कोहल, इसका मतलब शराब पड़ी हुई होती है। तो आपने देखना है कि आपने ऐसा लेना है जिसमें ना कोई अल्कोहल शराब ना हो। तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कि इसको ना हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया कि हम ना फिर ब्रेड के साथ लेंगे, तो फिर अभी ये कैसे ब्रेड को काटना है वो भी हम अभी आपको दिखाता हूँ। ये हमारा ब्रेड रेडी हो गया है, देखें। तो अब ना हम ना ये चीज़ की तैयारी करेंगे। अभी फिर हम ना ये दोनों ना पैकेट बनाएंगे, ये 400 ग्राम, इसका मतलब 800 ग्राम तक में ये 4-5 लोग ना आराम से खा सकते हैं। तो चलिए हम ना शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले ना आपने ना ये लहसुन डालना है, लहसुन पेस्ट, ठीक हो गया। तो आराम से थोड़ा सा पहले गर्म हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने ना थोड़ा सा लेना ये एप्पल जूस, ये देखिए एप्पल जूस, ये तकरीबन ये सही मिक्स करते रहना है। उसके बाद आपने ना एक गिलास पानी डालना है, ये हो गया पानी। ये ना आधा मिनट ना आप ना मिक्स करने दें कि थोड़ी सी ना ये ना जो भी है ना उबलना स्टार्ट हो जाए थोड़ा सा। उसके तकरीबन ना आधा मिनट एक मिनट बाद ना आपने ना चीज़ डाल देनी है, साथ में मिक्स करते जाएं, ये हो गया, ठीक। उसके बाद साथ में आप मिक्स करते जाएं। अभी दूसरा पैकेट भी डालूंगा। मिक्स करना ज़रूरी है कि ना चीज़ सही ना मिक्स हो जाए लिक्विड के साथ। अब ये तकरीबन 3-4 मिनट ना हमने सही इसको मिक्स करते किए हैं, और अब हम ना एक दो मसाले डालेंगे। ये सबसे पहले तो डालेंगे जायफल, ये आपको दिखाता हूँ ये क्या है, ये नोस मुस्काटा, ठीक है, जायफल कहते हैं उर्दू में। ये थोड़ा सा डाल दिया है, थोड़ा सा नमक, ये थोड़ी सी काली मिर्च, ठीक है, तो आपको उतना ये चीज़ का ना काफ़ी अच्छा टेस्ट हो जाता है ऐसे।
उसके बाद थोड़ा सा लेमन जूस, ये एक चम्मच छोटी सी, उसके बाद फिर थोड़ा सा ये मिक्स करते जाएं। और उसके बाद ना आपने डाल देना है ये 3 चम्मच ऐसी ना कॉर्नफ्लोर की, ये 3 ऐसी ना चम्मच आपने डालनी है। तो फिर ना मिक्स करते जाएं, तकरीबन 2-4 मिनट ना आप मिक्स करते जाएं। ये देखिए हो गई हमारी स्पेशल डिश रेडी, फोंड्यू, चीज़ फोंड्यू। और अब ना हम ना इसको लेके जाएंगे सर्व करने के लिए टेबल पे। उतना वो स्पेशल बनाए इसकी ना जो है ना ये देखिए, इसके साथ ना स्पेशल आपको मिलता है इसका चूल्हा, क्योंकि ऐसे ना आप ना खाते जाएं साथ में गर्म भी रहेगी कि ये पूरा चीज़ ना साथ में जम ना जाए, ठीक है ना। तो अभी हम ना टेबल पे लेके जाते हैं और उसका चूल्हा भी दिखाते हैं और शुरू करते हैं। ये हम आ गए टेबल पे और ये है उसका स्पेशल चूल्हा जिसको ऑन करने लगे हैं। आप बिल्कुल हल्की सी स्पीड पे ना आप ऑन कर दें, ये ले, ठीक है। अब ना हम अपनी वो चीज़ लेके आ रहे हैं, साथ में ब्रेड भी रेडी है। और इसको ना फिर हम ना जो हमारा है ना ये चीज़ इसके ऊपर रखेंगे कि ना वो साथ में गर्म होता जाए। ये बिल्कुल हल्की सी स्पीड से रखना है, ज़्यादा गर्म भी नहीं, क्योंकि आराम से मज़े से खाएंगे। ये आ गया हमारा चीज़, ये देखें। तो चलिए अभी मैं ना फिर सब ना बैठने लगे हैं। मैंने आपको बताया था कि आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चों को भी साथ लेके आऊँगा, तो आज मैं आपको ना अपने कुछ बच्चों के साथ ना मुलाकात करवाता हूँ। चलिए, वेलकम बैक। ये देख रहे हैं मेरे साथ 2 छोटे-छोटे मेहमान। अस्सलाम बोलो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताओ आपका क्या नाम है? अली। जोर से अली। ये छोटा है उसका नाम है मोहम्मद अली, माशाल्लाह इसकी ना 2 साल उम्र है। और ये जो बड़ा है आपका क्या नाम है? मेरा नाम है रायान, मोहम्मद रायान। ये 2 छोटे बेटे हैं और 2 बड़े भी बेटे हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ना इंशाल्लाह आपके साथ ना इंट्रोड्यूस कराऊंगा। चलिए हमारा खाना रेडी है, क्योंकि बहुत ये गर्म है तो इसको मिक्स करते जाएं। आप फुल रेडी है, ये थोड़ा सा ना ब्रेड हर किसी के प्लेट में डालें, उसके बाद ये छोटी को ना मैं खुद दूंगा बना के। ये स्पेशल ना कांटा बड़ा है, आपने डब्रोड के साथ इसको लगाना है और ये ऐसे बस थोड़ा सा लगा लें। ये मैं ना अभी ये बहुत गर्म है तो ये छोटे अली को देता हूँ, ये आपने ठंडा करके खाना है, ठीक है? अभी गर्म है, लगा लो तुम भी अपना, क्योंकि रायन बड़ा है वो खुद लगा सकता है। ये देखें, इसके बाद ना ऐसे ना अपना उसको ना ऐसे करते जाएं, क्योंकि सही बात है ये देख रहे हैं चीज़। ये ना आप बेशक ना दूसरा भी बना लें तो बस ठीक है। उसके बाद ना आहिस्ता आहिस्ता ना ये खाते जाएं जी, अभी गर्म है। ओके बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक हो? और बच्चे भी ना एंजॉय करते हैं, खेलते जा रहे हैं। अब खा सकते हो, मिस भी लाखी है। ये तो ही बहुत ना मुसीबत में, इसकी मुसीबत ऐसे साफ कर देता हूँ। कैसा था?
अच्छे ये अच्छे अच्छे अच्छा था ये उसके लिए ना शायद बनाने वाला था। ये देखिए ना कैसी मुर बना रहे हैं, गर्म था। कोई बात नहीं, आराम से खाओ। तुमने चेक किया? नहीं। तो चेक भी करो ना यार। ओ। ये जो ना डिश है ना हमारी, ये ना बिल्कुल आपने आराम से खानी है, एंजॉय करना है, टाइम लेके खानी है, कोई स्ट्रेस नहीं है, आराम से मजे से खाएं, पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करें। होगी मदद। और ये जो हमारे घर ना बनते हैं ना, जब ये डिश, ये स्पेशल ना इस बेटे की ना फरमाइश पे बनती है। ये ना कभी ना अगर जाए ना मेरे साथ स्टोर में, तो कहते हैं जब सर्दी आती है तो पापा ये भी ले लें, ये फोंदू ले लें, तो फिर इसको ना सबसे ज़्यादा ना इसी को पसंद है। तो कैसी लगी आज की ये फोंदू? बहुत मज़ेदार। अच्छा और ये वो। तो ये दोस्तों यही थी हमारी स्पेशल आज की ये डिश। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर भी करना है, ठीक है? तो इंशाल्लाह जिंदगी हुई तो फिर बहुत जल्द ना फिर एक नए व्लॉग के साथ, एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।